हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉड। मैं प्रवीण कुमार आज फिर से आपको एक छोटी सी ट्रिक्स दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको पता है SBI एसोसिएट्स के नोटिफिकेशन आ रखे हैं, पेपर भी होने हैं, सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक्स भी आते हैं, मैथ्स भी हम करते हैं, कम समय में मैथ्स को करना पड़ता है और शॉर्टकट्स की कमी की वजह से हम अपना टाइम वेस्ट करके आते हैं। तो आज मैं फिर से आपको एक छोटी सी ट्रिक्स दिखाने जा रहा हूँ स्क्वायर्स को लेके। स्क्वायर्स वैसे नंबर्स का जो 100 के बेस पे हों, जैसे आपको पता है 104 का स्क्वायर, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको 100 प्लस 4 ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ रहे होते हैं, कुछ लोग 104 इंटू 104 कर रहे होते हैं, लेकिन सोच के बताओ क्या उस तरीके से सेकेंडों में आंसर दिया जा सकता है। आज मैं आपको ट्रिक्स दिखाऊंगा वैसे नंबर्स का जो 100 बेस पे हो और उसका स्क्वायर्स बस आप देख के बता सकते हो, आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना है। सबसे पहले देखते हैं 104 को कंपेयर करना है हमें 100 से, ये 100 से कम है कि ज्यादा है? तो हमें दिख रहा है ना ये 100 से ज्यादा है, 100 से 4 ज्यादा है, जितना एक्स्ट्रा है इसको हम लिख लेते हैं इसके ऊपर। एक्स्ट्रा है इसलिए हमने प्लस लगाया है, ध्यान रहे अगर एक्स्ट्रा है तो हम प्लस लगा रहे हैं, कम होता 100 से तो हम माइनस लगाते हैं। अब सारा ऑपरेशन इस 4 का करना है, सबसे पहले इसी 4 का स्क्वायर, 4 जा 16, सबसे पहले स्टेप में इस 4 का स्क्वायर लेंगे 16 बनता है और उसके बाद इस 4 को 104 में ऐड कर देंगे। इस 4 को 104 में ऐड करते हैं ये बनता है 108 और यही आपका आंसर है। मैक्सिमम 5 सेकेंड्स, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा अलग तरीके से करके आप इसे 10 सेकेंड्स में दे सकते हो। आपको 106 के स्क्वायर बताने हैं, 100 बेस पे है, 100 से 6 एक्स्ट्रा है, इस 6 का स्क्वायर 36 और इसी 6 को 106 में ऐड करना है। प्रैक्टिस करिए, देखिए कितना मैजिकल ट्रिक है ये, मैक्सिमम 10 सेकेंड्स में आंसर, समझ पा रहे हैं? अगर नंबर होता 107 का स्क्वायर, ध्यान रहे एक चीज का ध्यान होना चाहिए इस ट्रिक्स में कि जो 100 से एक्स्ट्रा वाला नंबर है इसके स्क्वायर से लास्ट के दो प्लेस फुलफिल होने चाहिए। आपने 7 का स्क्वायर लिया 49, 4 का स्क्वायर लिया था 16, 6 का स्क्वायर लिया है 36, दो डिजिट्स वाले नंबर्स आ रहे हैं इसलिए आपको कुछ चेंज नहीं करने। मैं आपको वैसे नंबर्स को भी दिखाऊंगा जिसमें दो डिजिट वाले नंबर्स नहीं आएंगे, फिर हम क्या करेंगे। अभी तो फिलहाल 7 का स्क्वायर 49 और 7 को 107 में ऐड कर देते हैं, ये बनता है 11449, यही आपका करेक्ट आंसर है। अभी मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा वाले नंबर्स के स्क्वायर से दो प्लेस फुलफिल होने चाहिए। अगर ये नंबर 103 होता, अगर आपको 103 का स्क्वायर निकालना होता, अब तो काम गड़बड़ हो गया भाई, अब तो 3 का स्क्वायर सिंगल 9 आ रहा है, आपको तो दो प्लेस चाहिए, दो डिजिट वाले नंबर चाहिए थे, 0 लगा लो, बन गया दो डिजिट का नंबर, बन गया 09। अब 103 में 3 को कर लो ऐड, ये बनता है 106 और यही आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है तो बहुत सारे नंबर्स पे प्रैक्टिस करिए, ये चीजें ना बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली है, ये ट्रिक्स बिल्कुल आसान तरीके से आप कर पाओगे। ध्यान रहे एक्स्ट्रा वाले नंबर्स के स्क्वायर से दो प्लेस फुलफिल होने चाहिए, 100 से 9 एक्स्ट्रा था, 9 का स्क्वायर 81 और इसी 9 को 109 में ऐड कर दोगे 11881, क्लियर है, कर पा रहे हो? एक और नंबर्स को देखते हैं 112 का स्क्वायर। अभी मैंने बताया था, इस बात पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि एक्स्ट्रा वाले नंबर्स के स्क्वायर से दो डिजिट्स वाले नंबर्स दो प्लेस फुलफिल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर से काम गड़बड़, 12 का स्क्वायर 144, अब क्या करोगे, अब तो 3 डिजिट वाले नंबर आ गए, कर देते हैं अलग डिवाइडर लगा देते हैं बीच में, 112 को 12 में ऐड करना है, यही कर रहे थे अब तक हम, इसका स्क्वायर कर रहे थे, 12 को ऐड कर रहे थे 124। अब करना ये है कि हमें तो लास्ट के दो डिजिट ही चाहिए, अब तक आपने देखा था ना दो डिजिट चाहिए था, दो डिजिट चाहिए था, यहाँ पे 3 डिजिट वाला नंबर आया है, 2 डिजिट्स को लिखो लास्ट के और बाकी का जो 1 है आगे कैरी करके ऐड कर लो, लास्ट के दो डिजिट्स को लिख लो और इस 1 को आगे ऐड कर लो, ये आपका करेक्ट आंसर है 12544, क्लियर है? अभी एक और नंबर्स पे चेक करते हैं, फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, घर पे और भी सारे नंबर्स पे इस ट्रिक्स को चेक करो, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो भाई हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तब और भी बेहतरीन ट्रिक्स मिलते रहेंगे। अगर ये अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, मिल बांट के पढ़ने में मज़ा आता है, हर दोस्त भी सिलेक्टेड होंगे, आपको भी अच्छा लगेगा।
113 है ना, इसका स्क्वायर चाहिए था, 100 से 13 एक्स्ट्रा है, 13 का स्क्वायर 169, इस 13 को 113 में ऐड करना है 126, ये 1 एक्स्ट्रा है, हमें लास्ट के 2 डिजिट्स चाहिए थे, हमने लिख लिया, इस 1 को आगे ऐड करना है 12769, ये आपका करेक्ट आंसर है। मज़ा आ रहा है, अगले वीडियो में देखेंगे 100 से कम वाले नंबर्स का स्क्वायर्स कैसे निकालें, और उसके लिए भी बिल्कुल छोटा सा मैजिकल ट्रिक है, सेकंडों में आंसर आएगा, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब तो करते जाओ, और हाँ बेल बटन को जरूर दबाना, तभी तो हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम तक पहुंचेंगे। थैंक यू।